रेवाड़ी में शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित की गई स्कूल राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के आज अंतिम दिन फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें अंडर 17 में तो हिसार ने भिवानी को हराया, वहीं अंडर 19 में हिसार को हरा भिवानी ने जीत हासिल की। भिवानी और हिसार की फुटबॉल टीम ऐसी है जो लगातार फर्स्ट और सेकंड पर आ रही है और हर बार इन्हीं दो टीमों में कड़ा मुकाबला होता है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में हुई स्कूल राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भी यही हुआ। बता दें कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जिसमें प्रदेश भर की अंडर 17 अंडर 19 में फुटबॉल नेटबॉल और कराटे खेलों की 96 टीमों ने हिस्सा लिया था। अंडर 19 में विजेता टीम भिवानी के अलकपुरा स्कूल की है, जो फुटबॉल में प्रदेश की बेहतरीन टीम है। अंडर 19 में जहां भिवानी ने हिसार को पछाड़ा, तो वहीं अंडर 17 में हिसार ने भिवानी को हराया। दोनों टीम के कोच का कहना है कि लड़कियां ज्यादा कड़ी मेहनत करती है, सुबह अभ्यास करके स्कूल आती है और फिर कई किलोमीटर का सफर तय करके शाम को अभ्यास करती है। हम रोजाना 3 टाइम लगभग, ज्यादातर 3 टाइम भी करते हैं कुछ समय के लिए। जब गेम ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तब 3 टाइम तो बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं हमारे कोच, और हमारी पूरी टीम पूरा प्रयास करती है कि भिवानी हर बार गोल ही लेकर जाए। तो हर बार किसके साथ मुकाबला रहता है? हिसार के साथ ही रहता है। अब तो हम ऐसा मानते हैं कि हिसार भी ज्यादा वो नहीं रही है, हम उसे आसानी से जीत सकते हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभार आर लक के कारण आना। सर, हमारी पूरी टीम का ये लक है कि हम बहुत अच्छा खेले और हम 1-0 से विनर रहे, कि हम खुशी की बात है कि हम जीते, लेकिन हमारी कुछ इसमें कुछ कमी भी रही है, वो हम आगे रूटीन की प्रैक्टिस में उनको सुधारना चाहते हैं। हमारी प्रैक्टिस सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक होती है और शाम को 3 से 7 बजे तक होती है। शाम को हम 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और सुबह 1 बजे, जिसमें हमारी कोच मैम सोनिका बिजानिया और हमारा पूरा स्कूल स्टाफ, हमारे PTI सर, हमारे DPI सर पूरा साथ देते हैं और हमारे ग्राउंड पे 150 से 200 लड़की आती है हर रोज। क्या भविष्य में, क्योंकि अब प्रदेश स्तर का आप खेल रहे हो, लगातार आप जीतते आ रहे हो, अब आगे क्या करना है? हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां नेशनल में तो बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल में हमारी कुछ ही है, जैसे 19 में भी एक लड़की है हमारी इंटरनेशनल, और 17 में भी हम चाहते हैं कि हम अच्छा प्रैक्टिस करें और इंटरनेशनल में हम अच्छी टीम में हमारी लड़कियां ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है, मैं अलकपुरा का फुटबॉल खेलती हूं और मेरे को खेलते हुए 5-6 साल हो गए हैं, और वहां पे हमारे गोर्धन सर, PTI और यारिंदर सर, लिपी सर और सोनिका मैम हमारी 3 टाइम प्रैक्टिस करवाते हैं जब गेम मैंने देखा जाते हैं। किस किस लेवल पे खेले हैं आप? मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हूँ, अंडर 14 नेपाल और अंडर 16 चाइना। किस तरह से रहता है पूरा दिन? इतनी मेहनत करते हो, इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुँचे हो, कितनी मेहनत करते हो, किस तरह से करते हो? हम 3 टाइम मेहनत करते हैं, सुबह और दोपहर में शाम में करते हैं। ठीक, तो अब रेगुलर आपकी प्रदेश में टीम जीत रही है, आगे क्या करने का इरादा है? क्योंकि इंटरनेशनल तो आप खेल चुके हैं, आपके जो बाकी खिलाड़ी है वो आपसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़े, पूरी टीम आगे जाए। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी अलग प्रोग्राम की टीम पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जाए और वहाँ पे भी हम गोल्ड लेके। एक्चुअली हमारे ग्राउंड के ऊपर सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और रेगुलर 150 के आसपास लड़कियाँ जो है सुबह और शाम रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, और इसी का कारण है कि भाई लड़कियां जो हैं फाइनल मैच खेलती हैं, रिजल्ट जो है अप डाउन फर्स्ट और सेकंड का हो सकता है, लेकिन लड़कियां सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रही हैं। अच्छा, इसके पीछे हमारा गांव जो है अलकपुरा और हमारा जो स्कूल का स्टाफ है वो दोनों बड़ा कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हाँ लड़कियाँ एक ही स्कूल की हैं सारे। कौन सा? GSS अलकपुरा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलकपुरा भिवानी। ठीक है, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? रेगुलर रूटीन में अगर काउंटिंग नॉर्मली लगाई जाए तो लगभग 150 के आसपास लड़के सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की। मैं गांव चुड़ी बागड़ियान से हूं सर, ये मेरी ग्रीन वैली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुड़ी बागड़ियान की टीम है, और ये बच्चे मेरे से पास सदलपुर से चल के 15 किलोमीटर खेलने के लिए आते हैं, और ये हमने फाइनल मैच स्टेट का भिवानी को 2-1 से हरा के जीता है। ठीक है, तो जो बच्चे आती हैं कितना प्रैक्टिस करती है, क्योंकि इस लेवल पे रेगुलर आपकी जो टीमें हैं भिवानी और हिसार की टीमें लगभग लगभग आमने सामने रहती है हर बार, तो कितनी मेहनत करती हैं ये बच्चे? ये बच्चे जी सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के 45 मिनट रनिंग करते हैं, और उसके बाद जो भी फुटबॉल वर्क बॉल वर्क है, कोन काटने हैं और शूटिंग मारनी है, वो चीज़ें करने के बाद फिर ये 7 बजे स्कूल के लिए तैयार होते हैं बच्चे, और स्कूल से 3 बजे छुट्टी होने के बाद ये डाणियों में जाते हैं, 7-8 किलोमीटर दूर इनकी डाणियाँ पड़ती है सर, वहाँ से फिर साइकिलें लेके ग्राउंड में आते हैं, शाम को
चार बजे से लेकर सात बजे तक ये ग्राउंड में फुल वर्क करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर जाके स्टडी करते हैं। यानी कि रूटीन में सुबह शाम दोनों टाइम तीन तीन घंटे इनका ग्राउंड चलता है। आगे क्या है आगे इनका? हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य यही है कि हमारे पिछले साल हमारे सात बच्चे इंडिया कैंप में गए थे, तो हम ये सोचते हैं अभी भविष्य में एक दिन ऐसा हो कि हमारे गांव से कम 10 बच्चे इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करें एक साथ। रेवाड़ी में हुई स्कूल राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में अलग अलग जिलों के आई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सभी खुश भी हुए। लेकिन दूसरी तस्वीर हैरान करने वाली है, जहां सामने आया कि जान जोखिम में डालकर खिलाड़ियों को रेवाड़ी लाया गया। तस्वीरों में जिन खिलाड़ियों को आप पिकअप गाड़ी से उतरते हुए और पिकअप गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख रहे हैं, ये हिसार टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्हें जानवरों की तरह भरकर पिकअप गाड़ी में रेवाड़ी लाया गया था।